सहमत है तो हाथ जोरदार होनी चाहिए और नहीं सहमत है तो जोरदार ना होनी चाहिए। लक्ष्य क्या होता है? ये लक्ष्य क्या होता है कोई बताएगा? ये है क्या जी? जिसके बिना काम ना चले, जिसके बिना काम ना चले, चीज में इमोशनली जहां तक पहुंचना चाहते हो वो ऐसी चीज हो तो हम जिसके बिना रहना रहती। सर जो लाइफ में हमें डायरेक्शन दे सके, राइट डायरेक्शन, लाइफ के अंदर हमें डायरेक्शन दे सके, राइट डायरेक्शन। दिमाग के अंदर फीड हो जाए कुछ उदाहरण से मैं कोशिश भी करूंगा आप तक पहुंचाने की। पानी की जहाज कितने लोगों ने देखा है? पानी वाला जहाज। अगर लाइव नहीं देखा है तो टीवी में देखा है। हमराज मूवी में भी बहुत जहाज दिखाया गया था। मैं कई बार गया था उस जहाज को देखने, वो मूवी देखने। देखा नहीं देखा? सबने देखा है ना? बोलिए, इंटरेक्शन होगा, अच्छा लगेगा क्योंकि आप सब जॉइन लोग हैं यहाँ पर, दो चार पांच लोगों को छोड़ के कमिटेड लोग। पानी का जहाज देखा? यस सर। चलिए दो पानी के जहाज की कल्पना करिए। दोनों के जो कप्तान हैं, जहाज कौन चलाएगा? हम आपको चला नहीं सकते। नो सर। कप्तान चलाएगा? यस। दोनों कप्तानों के पास 20-20 वर्षों का अनुभव है जहाज को चलाने का। जो क्रू है, जो सदस्य है, चालक दल के सदस्य, स्टाफ, उनके पास भी 15 सालों से ज्यादा का अनुभव है इस चीज का।
वो दोनों जहाज बंदरगाह पे खड़े हैं पोर्ट पे और वहां से निकलने के लिए तैयार है। सब कुछ सेम टू सेम है, जहाज भी सेम है, सेम पावर, सेम फैसिलिटीज, सब कुछ सेम, और वो अपनी जर्नी के लिए निकलने के लिए तैयार है। एक जो कप्तान है उसके पास एक क्या है कि मुझे यहां से निकल के और इधर 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 से होते हुए पला जगह और वो तैयार है। जो दूसरे जहाज का कप्तान है उसके पास वो मैप नहीं, और दोनों जहाज अपनी जर्नी के लिए निकलने के लिए तैयार हैं। आप मुझे बताइए जिस कप्तान के पास उसका लक्ष्य है वो 100 में से कितनी बार पहुंचेगा? 100 बार। सहमत है? यस सर। और जो दूसरा जहाज है जिसके पास क्या नहीं है लक्ष्य, वो 100 में से कितनी बार पहुंचेगा? 1 बार। नहीं पहुंचेगा? नहीं सर। और अगर वो कहीं पहुंच गया तो सवाल ये होगा कि कहां? तो आप भी सहमत होंगे कि वो किसी टापू पर किसी सुनसान जगह पर जाके दोनों चीजों में दोनों जहाज में फर्क किस बात का है? लक्ष्य आपका है, सेम पावर, सेम इंजीनियरिंग, सेम सब कुछ, एक चीज ने डिफरेंस पैदा कर दिया, हाँ या ना? तो इसी तरीके से आपके अंदर जो असीमित क्षमताएं हैं, असीमित, आपको पता है अगर इंडियन, अगर मैं वर्ल्ड की बात नहीं करता हूँ, चलो 700 करोड़ से ज्यादा है, अगर हिंदुस्तान की बात करें तो तकरीबन 140 करोड़। आपके अंदर कितनी प्रतिभा है, कितनी क्षमताएं हैं? 140 करोड़ में आपका फिंगरप्रिंट किसी से मैच करता है? और एक मजे की बात है, आप कभी इसको ट्राई करिएगा, मैंने कई बार सोचा है इसके ऊपर इसलिए मैं बता पा रहा हूँ आपको, हो सकता आपने भी कभी सोचा हो, महसूस किया हो, अगर आप अपने फिंगरप्रिंट को देखेंगे तो या तो चक्र होगा उसके अंदर और या शंख होगा। किसी के में ट्राइंगल है क्या? क्यों बोल? तो दो ही डिजाइनिंग में 140 करोड़ लोगों का मैच नहीं है, है क्या? तो किसी के जैसा बनने की दौड़ नहीं है ये, अपने आप से बात करके अपने लक्ष्य को आइडेंटिफाई करके उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए आपके पास सारी क्षमताएं हैं, जरूरत है तो सिर्फ आपको उसे आइडेंटिफाई करने की, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और ये इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि सबसे बड़ी चीज यही है। आज इस मीटिंग के लिए 25 किलोमीटर, मैं 1100 किलोमीटर की दूरी से आ रहा हूं, जो कंडीशन थी उस कंडीशन में एक मैसेज डालना था और कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता था कि हाँ जल्दी से सर। 3 दिन से आईसीयू में और कल डिसीजन लेकर के आज यहाँ, कल रुद्रपुर, अभी यहाँ मीटिंग के बाद रुद्रपुर और फिर सीधा लखनऊ, लखनऊ निकल रहा था। मान ही नहीं सकता कि आप सफलता तक पहुंच ही ना पाओ। आज आपके पास सर एक टिकट है, पैसा ना आपको देना है, ठीक है, मेरा हो जाता है। मंथ के बाद पता चलता था कि इतना 1300 पीवी से या 300 पीवी से हो गए, मैनुअल था, कोई कार बुक नहीं थी, कोई लीडिंग लेडीज बुक नहीं थी, कोई बड़ा तैयार नहीं थे, और थे भी तो इनका दुखा जगहों पर। लखनऊ जैसे शहर की बात मैं आपको बताऊं, अगर 2016 के पहले यहाँ पर तुम लोग बैठे, 2016 के पहले वाले, 2016 वाले नहीं है, लखनऊ शहर के अंदर पता आपको एक खेल सुनिए, लखनऊ के अंदर बड़ी खेल थी जो कि 12 बजे खुलती थी और 6 बजे बंद होनी शुरू हो जाती थी, उससे भी पहले चली है।
200-300 किलोमीटर तक नहीं था, कितना स्ट्रॉन्ग फायर हो, कारण कितना क्लियर होगा। ये कहीं ठप्पर तो ना लगा हुआ है, ये बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत जिसने एजुकेशन ली हुई है, इसलिए इसका इतना विजन है। आप सोच के देखिए ना, किसी राजपूत जी के पास इतना तगड़ा विजन था। मोहम्मद मोई, सिद्धार्थ जी, विवेक सर, क्या स्ट्रॉन्ग विजन रहा होगा। लक्ष्य बहुत बड़ा लिया था तब जब कुछ नहीं था, और आज तो सब कुछ है, आया ना। लेकिन लक्ष्य नहीं या कारण स्ट्रॉन्ग नहीं। और जिस दिन आपका कारण आज बनाएंगे हम लोग मिलके, ये टू वे कम्युनिकेशन है ना, वन वे तो नहीं है ना, समझ में आ रही नहीं आ रही, बनाएंगे आज मिलके। और जिस दिन आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, आपको खुद नहीं पता कि आपके अंदर कितनी असीमित शक्तियां हैं, आप खुद उठ करके हासिल कर लो। ट्रेन में कितने लोग चले, लगभग मुझे लगा सभी लोग चले। यस सर। जो नहीं चले उन्होंने देखी तो होगी। यस सर। ट्रेन में कितने तरीके की बोगियां लगती हैं, तीन तरीके की, कौन कौन सी, जनरल, स्लीपर, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, स्लीपर, जनरल और एसी, तीन तरीके की बोगियां हैं। यस सर। क्या लगता है आपको आज की डेट में, आज कौन सा सन चल रहा है, 2022, क्या आज सारे के सारे लोग एसी में यात्रा करते हैं? नहीं करते हैं? नो सर। नहीं करते? स्लीपर और जनरल में भी बहुत सारे लोग यात्रा करते हैं, इसीलिए एसी की बोगियां गाड़ी में दो या तीन होती है, बाकी स्लीपर और जनरल होती है। अब जरा और पहले चलिए, 100 साल पीछे चलते हैं, कौन सा सन था, 1922 में, 100 साल पहले, क्या एसी में बहुत ज्यादा लोग सफर करते होंगे, कम लोग करते होंगे, होते ही नहीं, क्या लगता है आपको, कम लोग कर रहे थे, ज्यादा लोग करते होंगे, आज की कंपैरिजन में अगर हम बात करें, कम लोग, बहुत रेयर, कुछ आया ना, कुछ लोग। अगर कोई इंसान 100 साल पहले एसी में यात्रा कर रहा है तो छोटा आदमी होगा, बड़ा आदमी होगा। अब जरा परिवेश, परिदृश्य को बदल के विदेश कर लीजिए, यानी कि विदेश में एक इंसान, विदेश में एसी बोगी की बात नहीं कर रहा हूं, वो एसी बोगी रिजर्व करके चल रहा है, तो छोटा इंसान होगा या बड़ा, बड़ा, बड़ा या बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। यस सर। अब वो घर से निकला, बढ़िया कोट पैंट सूट हैट सब लेकर पहन करके स्टेशन के लिए, जहां पर उसकी रिजर्व बोगी इंतजार कर रही थी उसकी यात्रा के लिए। अपना देश उस समय तक आजाद था या गुलाम था, 1922 स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन आई, अपने कंपार्टमेंट में बैठे, हिंदुस्तान आजाद था या गुलाम था, गुलाम, ट्रेन चली तभी गुलाम था। यस सर। फिर कुछ लोग आए और उन्होंने उसको धक्का मार के स्टेशन से उतार दिया, ट्रेन से, और बोला ब्लडी इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। फिर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि उस दिन मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ, क्या मिल गया, कब, किस घड़ी, किस क्षण मिलेगा, मिलना तो जरूर है। जिस दिन आपने अपना लक्ष्य मिल गया, आपको क्या लगता है अंग्रेज उसके बाद बहुत खुश होंगे। एक निर्णय, एक लक्ष्य की जिस तरीके से तुमने मुझे इस बोगी से बेइज्जत करके उतारा है, मैं तुम्हें अपने देश से उसी तरीके से बाहर, उसके बाद, उसके पहले तक कोई समस्या थी, वही कोट पैंट, वही हैट,
वही बहुत बड़े वकील थे, पता नहीं आपको, उन्हीं अंग्रेजों के केस लड़ रहे थे, नहीं लड़ रहे थे, कोई दिक्कत थी कहीं? और जिस पल अपने जीवन का लक्ष्य समझ में आ गया तो ये तो गलत हो गया, अपने आप से बहुत मोहब्बत है आपको, है नहीं? ये तो गलत हो गया, सब कुछ करना था, बेइज्जती नहीं करनी, और आया ना। अब जब वो वहां से चले तो आपको क्या लगता है कि यह हिंदुस्तान में 2-4 लाख लोग धोती पहन के इंतजार कर रहे थे उनका, कि बस 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 ये आप ही का तो इंतजार कर रहा था, आप आगे बस आगे आगे, आप चलो डंडा लेके पीछे हम चल रहे, ऐसा था क्या? सो ये कतई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके साथ कौन है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास लक्ष्य है या नहीं है, और अगर आपने अपने लक्ष्य को पहचान लिया, बना लिया और उसके पीछे आप निकल पड़े, तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि एक दिन आपके पीछे कारवां होगा। लक्ष्य की इंपॉर्टेंस समझ में आई? Yes, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको घुमा फिरा के इधर उधर से इससे कनेक्ट करने। आई थिंक आप तक मेरी बात पहुंच रही हो। Yes, बात यहां से नहीं निकल रही, वो यहां से निकल रही। Yes, समझ में आ रही? Yes, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? Yes, आज ये ट्रेनिंग का पार्ट बनने के बाद अपने लक्ष्य जरूर बनाइएगा और आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, आपको मिलेगा आपका लक्ष्य, और उसके बाद उसके साथ योजना बना के उसे हासिल करना है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके पहले टीम ने ज्वाइन किया या उन्होंने ज्वाइन किया? कुछ लोग ऐसे तो नहीं है इसमें कि जो पहले 1000 लोग तैयार पड़े थे और बोले कि सर बस आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आओ फिर हम सब अपनी आईडी लगा देंगे। मेरे साथ तो नहीं हुआ था ऐसा, मैंने जब फॉर्म भरा मुझे लगा कि यार कितना सरल काम है, दुकान बदलनी है और 8-10 तरीके की आमदनी लेनी है, ये तो सब करेंगे, आया ना? जो दोस्त बैठे थे वही हंसने लगे, बोले यार पागलों वाला काम कर रहे, तो ऐसा तो नहीं है ना कोई जिसके पीछे टीम खड़ी हो और बोले कि आप जल्दी से फटाक से जॉइनिंग लगाओ, पीछे पीछे मैं लगाता हूँ, एक काम करते हैं पहले महीने में आपको स्टार बना देते हैं और उसी महीने ग्राउंड बना देते हैं, फिर 3 महीने तक मेंटेन कर रखे, कार्पेट हॉस्पिटल सब क्लियर करा देते हैं, ऐसा तो नहीं है? तो लक्ष्य बनाएंगे, लक्ष्य इच्छा से बिल्कुल अलग होता है। अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है लक्ष्य और इच्छा के बीच का फर्क। इच्छा कुछ भी कर सकते हो आप, जैसे प्रेस्टीज क्यों ज्वाइन किया, पैसा कमाना, कितना, बहुत सारा, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डायलॉग है, और मजे की बात है कि आपको पता भी नहीं है कि आप डायलॉग बाजी कर रहे हो, आपके पास क्लियर कट अभी क्लियर ही नहीं है कि मेरा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य बन जाएगा, yes, और लक्ष्य जिस दिन आपका बन गया, आज बन जाएगा, लक्ष्य बना लिया, अब उसके बाद आपको एक काम करना है, सबसे पहला काम क्या करना है? लक्ष्य, और उसके बाद योजना, हाँ वो तो बनानी पड़ेगी, भरोसा करना है, लेकिन लक्ष्य बनाने के बाद सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कीमत चुकाने के लिए, नथिंग इज फ्री, और जो चीज फ्री है ना वो आप उसकी कीमत कहां रखते हो, जरा बताओ मुझे, एक दिन में सेफ्टी बहुत सारे लोगों ने करी है ना, एक दिन में कितने लीटर सांस लेते हो? 11,000 लीटर, आया ना? Yes, sir. कितनी कीमत देते हैं? अभी कोविड आया 2 साल पहले, 2 साल तक कोविड था, 2 साल पहले ऑक्सीजन की कीमत पता चली या नहीं पता चली? Yes, सिलेंडर 10-10 हजार में बिका है, नहीं बिका? Yes, अगर मैं 100 रुपए की कीमत मान लू 1 लीटर ऑक्सीजन सिलेंडर की, ऑक्सीजन की 1 लीटर सिर्फ 100 रुपए, जो की मिलेगी नहीं अगर घूमने निकलोगे, 1000-1500 के नीचे मिलेगी नहीं सामान्य दिनों में, 11,000 लीटर, कैलकुलेटर सबके पास होगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, करोड़ों रुपए तो सिर्फ सांस देने के देने पड़ते महीने में। Yes, ये पहले 1 करोड़ रुपए तो साइड रखो सांस लेने के, अब उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या करते हैं, आया ना? Yes, कीमत है,
वैल्यू है? ईमानदारी से बताइए, कभी शुक्रिया अदा किया? नो सर, नो सर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, फ्री की चीजों की वैल्यू करते कहाँ हो, करते हैं क्या? नो सर। तो सबसे पहला काम लक्ष्य निर्धारित करना, और दूसरा काम उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो जाइए जो आप अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए खर्च करने को तैयार हैं। ये दोनों चीजें होंगी तभी ये चीज हासिल होगी। आप ये सोचें कि मैं पहले सफल हो जाऊं उसके बाद मैं कीमत चुकाऊंगा, हो ही नहीं सकता, नहीं होगा। कई बार लोगों को गलतफहमी होती है कि मैं कोई बात नहीं, मैं एक बार सफल हो जाऊंगा फिर कीमत चुका दूंगा। छोटे छोटे उदाहरण आपको पता भी नहीं है कीमत ना चुकाने के। सर मैंने प्रतिज्ञा ली हुई है कि मैं ब्रॉन्ज जब बन जाऊंगा तभी यूनिफॉर्म पहनूंगा, आया ना? ये तो डायलॉग है। इस डायलॉग के पीछे का क्या है, आप अभी कीमत चुकाने को तैयार नहीं हो। टूल किट, लीडिंग लेडीज, कार बुक नहीं खरीदने को तैयार, कीमत चुकाने को नहीं तैयार, मीटिंग करने को नहीं तैयार हो। कंसिस्टेंसी, आप मुझे बताओ कौन सा व्यापार ऐसा है जहां पर बिना पैसा लगाए आप काम कर सकते हो? कोई ऐसा व्यापार है? कोई है यहाँ बैठा बिजनेसमैन? कोई नहीं भाई। कौन सा व्यापार है बताओ? तो उसमें बिना पैसा लगाए काम होता है? कितना लगा हो? बीस लाख एक दो बार में, दूसरी में 11-12 लाख। इतने लगाए नहीं, लगा नहीं सिस्टम में। मेरा खुद का बिजनेस था, 30-40 लाख रुपए लगा के। गजराज वर्मा यहाँ है, ये भी बिजनेस मैन है, मैं जानता हूँ भाई। बिना पैसा लगाया होता क्या काम? ऋतु मैडम थी यहाँ पर कहीं। मैम बिजली का बिल कितना आता है ऑफिस में? हाँ, 2500 से ऊपर। 2500 रुपए भी लगते हैं सिस्टम में? नो सर। लगते नहीं लगते? कंसिस्टेंसी, वो भी आपकी मर्जी है, क्योंकि आपको फायदे है चार तरीके के। हर 4 महीने के बाद आपको फ्री बिजनेस को प्रोडक्ट मिलना है। उसको कई बार कुछ लोग समझते हैं कि ये मैं खर्च कर रहा हूँ, ये मैं लगा रहा हूँ। अभी आपका ना वाई वाई क्या, अभी तो लक्ष्य के ला से भी 1,000 किलोमीटर दूर हो। अगर आपका लक्ष्य क्लियर होगा ना तो आपको दूरी वूरी की कुछ पता ही नहीं होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लक्ष्य क्लियर होगा। आप मुझे बताओ एक आम इंसान को क्या चाहिए? पहली बार कौन आया है पहली बार इस सिस्टम में? आ सकता है अभी क्या करते हैं? मोबाइल की दुकान है, बिना पैसा लगाए खोली थी? पैसा लगाए थे? कितना लगाए? 2 लाख रुपए लगाया है, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइए जब आपने मोबाइल की दुकान खोली, या जो भी है, छोड़ो अभी बस्ती, जीविका चलानी या नहीं चलानी है? yes, yes. जीवन में कुछ करना है या नहीं करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? पड़ेगा। करने की इच्छा तो अभी मैं साइड में रखो, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? पड़ेगा। कुछ भी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो जो भी काम आप करोगे, चाहे नौकरी या व्यापार, उस काम से क्या हासिल करना है? किसके करने? सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी आपको? इसलिए पढ़ाने की, और अच्छा पैसा है, चलो और अच्छा पैसा आ गया, पैसा आ गया, अब क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? चलो आप असहज हो रहे हो, मैं कुछ आपकी हेल्प करता हूं। पैसा कमाना उद्देश्य है, उस पैसे से अपनी लाइफस्टाइल को ठीक जगह पर सेट करना, ये लक्ष्य है। शादी, बच्चों की परवरिश, उनकी शिक्षा, एजुकेशन अच्छे से देना, किससे होगा? किसी से तो होगा। फिर थोड़ा और पैसा आया, ये तो बेसिक है।
कि बढ़िया खाना पीना हो और बढ़िया कॉलोनी में, भले ही रेंट पर लेकिन ठीक ठाक कॉलोनी में, क्योंकि अपने वातावरण बच्चों को अच्छा देना है। थोड़ा और पैसा है, थोड़ा और पैसा है यार, कुछ घूमने खाने का हो जाए साल में एक आध बार, आए ना किसी हिल स्टेशन पे चले जाए, कहीं यहाँ चले जाए, वहां चले जाए, थोड़ा सा घूमने काम में। सहमत है? अगर सहमत होंगे तो आवाज उसी तरीके से दीजिएगा। थोड़ा और पैसा है, एक गाड़ी ले लिया है ना, थोड़ा और पैसा है यार, एक अपनी छत होनी चाहिए है ना। ये हर एक इंसान की सोच का पैटर्न है या नहीं? अब अपने सोच के पैटर्न से जरा वेस्टीज के प्लान को आप कंपेयर करिए। आप काम करो जिसमें पैसा लगाना नहीं है, जो आपने लाख दो लाख लगाए हैं वो लगाना नहीं है, 20-30 लाख लगाए लगाना नहीं है, काम करो, सिस्टम बना, सपोर्ट सिस्टम बना हुआ, काम करिए, पैसा आएगा इनिशियली 1000-2000-5000, और काम किया 10000-15000, और थोड़ा टीम डेवलप करी, और काम हुआ बैठे 20000-25000, और हुआ फॉरेन ट्रिप स्टार्ट हो गई गोल्ड डायरेक्टर लेवल से, साल की 2 विदेश यात्रा करके आई, और थोड़ा बिजनेस डेवलप किया जिसके अंदर आपको पैसा नहीं लगाना है, कार फंड, कार के लिए पैसा देरी नहीं देरी, थोड़ा और आगे चलिए, हाउस फंड, घर के लिए पैसा देरी नहीं देरी, और हमें चाहिए क्या था? यही तो चाहिए था, तो यही तो दे रही है बस चीज। इसके बाद लाइन लगा के ज्वाइनिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होती है ना, यहाँ पर आप पहुंचते हो वहां पर लाइन लग जाती है ना, कि पहले मेरा फॉर्म भरो, पहले मेरा फॉर्म भरो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जीवन में जो चाहिए वही बस चीज सिस्टम दे रहा है। हमारा तो यहाँ पर बैठ के लक्ष्य क्लियर हो जाएगा, उनके पास ऐसी कोई ट्रेनिंग, ऐसा कोई मीटिंग, ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई समाज, ऐसा कोई स्कूल, ऐसा कोई दोस्त, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जो उनसे उनके लक्ष्य के बारे में बात करे। क्योंकि अगर लक्ष्य उनका ये सब हासिल करना है तो वस्ती सिस्टम यही तो ले रहा है। कितनी बड़ी चीज है, समझ में आ रहा है ना? तो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाइए, बात यहां पर थी। कई बार लोग कहते हैं सर वो 300 रुपए का टिकट लगेगा, आया ना? Yes, लगेगा, सच्ची ऐसा होता है? ये किताब वाली बुकलेट जो आप दिखा रहे थे ये तो आप ही देंगे? ये प्रोडक्ट दिखाने के लिए जो बुक है 58 रुपए वाली, ये तो कम से कम देनी चाहिए, ये भी नहीं देंगे? सैंपल बिल्कुल सही है, सैंपल बटवा दीजिए। तो बेसिकली उन्हें अपनी सफलता की तलाश है ही नहीं, और अगर अपनी सफलता की तलाश होगी तो ये प्लेटफॉर्म हर उस इंसान के समझ में आएगा, हर उस व्यक्ति के समझ में आएगा जिसको अपनी सफलता की तलाश है। Yes. और ऐसे लोगों की संख्या कम है, लेकिन अच्छी बात क्या है? है। और ये सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म ऐसे लोगों को निकाल करके आपके बीच में ले आएगा। आपके अप्लाई क्या अपने आप को मीटिंग का पार्ट करो, ट्रेनिंग का पार्ट करो, सिस्टम का पार्ट करो, क्यों? अरे भाई, एक इंसान, एक व्यक्ति ने अपने 20-25-30-40 साल के अनुभव से एक सिस्टम तैयार किया है कि बेटा किस रास्ते पर चलो और सफल हो जाओ। इसको ऐसे मान लीजिए कि मान लीजिए सफलता आपकी दिल्ली है और आप लखनऊ में हो, आप दिल्ली पहुंच जाओगे तो सफल हो जाओगे, मान लेते हैं, मान लिया। अब एक तरीका क्या है कि मैं अपनी खुद की भूमि अधिग्रहण करूं, जमीन यहां से लेकर के दिल्ली तक मैनेज करूं, उसके बाद उस पर रोड रोलर और गिट्टी सब लगा करके रोड बनाऊं, और फिर अपनी बनाई हुई रोड पर मैं गाड़ी लेके या पैदल दिल्ली तक जाऊं। कितना समय लगेगा? हो सकता है शायद जन्म भी जाए और तब भी ना हो पाए, जमीनी उलझे रहना मैनेज करने।
आए ना। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो लोग इस सिस्टम के अंदर सफल हो चुके हैं उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, इस सिस्टम में आओ और सिस्टम में ऐसे ऐसे आकर के इस मेडिकल ट्रेनिंग का पार्ट बनो, बीच में कुछ टोल लगेगा 200-250-300 रुपए का, आया ना। टोल तो दिल्ली पहुंच जाए। दोनों ही विकल्प आपके पास है, आपकी जो समझ में आए वो चुन लें, क्योंकि आप अपनी सफलता के लिए आप जिम्मेदार हैं। आईटी पूरी की टोल टैक्स देख के और तैयार हो गई है सर्वोली से, तो ये बिल्कुल सब साफ विकल्प है। कौन सा सफल इंसान है, ये अपने कपड़े जो वहां पर जिस स्टाइल जहां से लाते हैं और जिनको बेचते हैं, क्या वो जगह जहां से लाते हैं वो बता देंगे क्या दोस्त? आप कहां से लाते हो, क्या करते हो, बता दोगे क्या? इस सिस्टम के अंदर हर इंसान अपना जो भी सीखा है, जो भी अनुभव है, वो बांटना ही बांटता। तो लक्ष्य सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप कीमत तय कर लीजिए चुकाने की, और उसके बाद आपको क्या काम करना है? एक तो लक्ष्य बन गया, कीमत डिसाइड कर ली चुकाने की, फिर क्या करना है? योजना बना। चुपचाप उस कीमत को चुकाने में लग जाएंगे, चुपचाप। ज्यादातर लोग जीवन पता क्या है, ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि मैं पहले सफल हो जाऊं फिर मैं कीमत चुका दूंगा, आया ना। yes, sir. Yes, sir. और आप बिना कीमत चुकाए सफल नहीं हो सकते, ये एक सिद्धांत है। किसी भी फील्ड के अंदर उठा के देख लीजिए, पहले आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई भी फील्ड जो मर्जी आप पे उठा लीजिए, चाहे पॉलिटिक्स उठा लीजिए, चाहे स्पोर्ट्स उठा लीजिए, जो मर्जी उठा लीजिए, क्या लगता है पहले एमआरएफ ने 1 करोड़ रुपए दिए सचिन को बैट पे चिपकाने के लिए फिर वो मेहनत करने का, या विराट कोहली को कि भाई तुम पहले फ्यूचर में बहुत बड़े स्टार हो गए, ये पकड़ लो पहले से 5 करोड़ रुपए एडवांस, अब तुम ग्राउंड पे जाके पसीना बहाओ, फिर एक दिन तुम इंडियन टीम में आओगे तो बहुत नाम होगा, हम और पैसे देंगे, ऐसा था? चाहे वो अपने प्राइम मिनिस्टर, कोई भी किसी को भी उठा लो किसी भी फील्ड के अंदर, पहले कीमत चुकानी पड़ेगी उसके बाद सफलता मिलेगी। हमारे सिस्टम में जानते हैं इंसान क्या सोचता है, मैं सफल हो जाता हूं किसी तरीके से, नीचे 2-3-4 मिल जाए बढ़िया, और उसके बाद मुझे पैसे आने लगे, फिर मैं मीटिंग ट्रेनिंग में जाऊंगा, कभी नहीं हो पाएगा। ये जानते हैं किस तरीके की बात है, कि आप एक चूल्हे के सामने बैठे हो लकड़ी लेके और उससे बोल रहे हो कि पहले आग दो तो मैं तुम्हें लकड़ी दूं। कीमत पहले चुकानी पड़ेगी, लकड़ी पहले देनी पड़ेगी तब आग दो। स्वागत है, तैयार? कुछ कारण हम लोग ढूंढते हैं इस सिस्टम को करने का। पहला कारण क्या है, इस सिस्टम को लोग क्यों करते हैं, दरअसल बात इसकी हो रही है, या हम आप क्यों करेंगे? पहला कारण क्या है, एक्स्ट्रा इनकम, यानी कि यहां बैठे हुए कुछ लोग या आपकी टीम में आने वाले कुछ लोग हो सकता हो कि इस एक कारण से इस सिस्टम को ज्वाइन करें या सिस्टम में आए। अभी एक्स्ट्रा इनकम क्या है बताएगा मुझे, एक्स्ट्रा इनकम क्या है? टीचर है कोई यहाँ पे, एक टीचर जो टीचिंग दे रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है, क्यों? क्योंकि पैसा कमा रहा है ना। और एक चीज ध्यान रखिए, पैसा हमेशा एक्सचेंज में मिलता है, किसी चीज के बदले में मिलता है। या तो आपके पास कोई नॉलेज, कोई स्किल होगी जिसको आप सेल करोगे तो मिलेगा, या आपके पास कोई गुड्स होगा, कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जिसे आप एक्सचेंज करोगे तो पैसा मिलेगा। एक टीचर जो टीचिंग कर रहा है वो क्या सेल कर रहा है? नॉलेज।
ये तो बना है। बदले में क्या मिल रहा है? ऐसा। तो एक टीचर जो टीच करता है स्कूल में, वो ट्यूशन पढ़ाता है नहीं पढ़ाता? तो ट्यूशन क्यों पढ़ाता है? समझ में आया? कुछ एक्स्ट्रा। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में ऐसे पोस्ट पर जाना चाहते हैं जहां पर टेबल के नीचे से आए, तो वो क्या है? है नहीं? अमिताभ बच्चन साहब को कितने लोग जानते हैं? उनका काम क्या है? एक्टिंग एक्टिंग करना। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है नहीं है? हिंदुस्तान में क्या विदेशों में भी उनका नाम है या नहीं है? उनको हम सबको अपना नाम प्यारा होता है, नहीं प्यारा होता है? हम सोचते हैं यार कहीं ये देखे ना, क्या सोचे ना, ये ना करे वो ना करे। बहुत सारे लोग की सोच के हिसाब से अपना काम चलता है, उसके अनुसार कहीं वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, है ना? और भी कॉन्शियस होते नहीं अपने ब्रांड को लेके, अपने आप को लेकर। अरे उससे ये कहूंगा वो मना कर दिया तो क्या कैसा लगेगा? ये सब चलता नहीं चलता। अमिताभ बच्चन साहब का मेन काम क्या है? आपको क्या लगता है एक्टिंग करके वो हमसे आपसे कम पैसा रखे? कम पैसा ज्यादा है या बहुत ज्यादा? दाल रोटी की फाइट तो नहीं ना? नवरत्न तेल का ऐड क्यों करते? अभी एक ऐड मैंने उनका देखा है, उसमें ग्वाला मिल रहा है और बाकायदा ग्वाले की वेशभूषा में दूध दे रहे हैं भाई घर में जाके। वो नहीं सोच सकते कि यार मेरा इतना बड़ा, मैं शहंशाह का मेरा बच्चा था, मैं दीवार में था, इतना तगड़ा मेरा ब्रांड वैल्यू है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? सोचते ही उनका लक्ष्य क्लियर है, एक्स्ट्रा इनकम। अरे लोग तो तीन तीन मिलके विमान तक बेच रहे हैं। यस सर। नहीं बेच रहे? बेच रहे। आपको वो बेचने के लिए कहा जा रहा है? नो सर। और आपने गौर किया होगा वो उसी समय आता है जब खाने का टाइम होता है, डिनर का, 9:30 बजे के आसपास। अभी आप गौर तो करो, वो घर घर टॉयलेट क्लीनर लेके जा रहा भाई। उनको नहीं कोई दिक्कत है क्योंकि उनका लक्ष्य क्लियर है, क्या चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी का मेन काम क्या है? उससे कम पैसा कमाएगा? नो सर। टीवीएस का ऐड क्यों कर रहा है? उनका ऐड है स्नीकर का, देखा आपने? वो जो पहना हुआ है कपड़ा, आप पहन के यहाँ चलोगे? अगर वो कपड़ा हमें पहना दिया जाए बहुत अच्छा है, 1,00,000 रुपए देंगे यहाँ कैसरबाग से हजरतगंज तक पैदल जाना है। महंगो वो 140 करोड़ लोग को देखो, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर है? किस लिए? उन्हें जरूरत है। क्या करेंगे हमें जरूरत नहीं है। और उसके बाद ईगो तो मुझे लगता है जितनी जेब में सारी जेबों में लिए टहल। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने मना कर दिया। भाई वो कौन? आप पहले तो ये समझ लो, ईगो यहाँ लेके टहल, जैसे ही कोई आया तुरंत ईगो निकाला, पक फेंक के मारा, ये ले हटा ईगो। इस सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए आए थे, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मेरी नजरों के सामने, और क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं मेरे अपलाइन जो मेरे ग्रेट अपलाइन है मले सर, एक बार जोरदार तालियां दे, सर आप आ ही जाइए। मले सर इस सिस्टम में एक्स्ट्रा इनकम के लिए दिखाने आए थे मुझे, तो मेरा एक्सपोर्ट का काम था, मैं अपने बिजनेस में इन्वॉल्व था, सर आए मेरा ऑफिस में, किसी के थ्रू हम जानते थे, इन्हें स्टैंड में मैंने मोटरसाइकिल लगाते हुए देखा,
मैंने कहा ये यहाँ जाकर क्या है, और भागा तुरंत अपने ऑफिस में जाके बैठ गया है। अब बाकी सीनियर है वो पूछते पूछते मेरे ऑफिस आ गए, आए बैठे हायर हुआ, और उसके बाद अपना प्लान फोल्डर निकाला और ये राइस ब्रान है, ये स्पायरोलिना है, ये है, ये चाय की पत्ती है, ये है वो है। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपकी कितनी आ रही है, ऐसा होता नहीं होता yes, तो आप बताओ आपकी कितनी आ रही है फोल्डर पीपीटी फाइल की बात कर रहे हो, तुम खुद अभी नया नया हो 11% में पुराने वाले प्लान में, पहले अभी तो बहुत आसान कर दिए ना, पहले 11% होता था 4500 PV पर, 11% होता था, 20% यानी 10,000 पीवी पर ब्रॉन्ज होते थे, बहुत सारे लोग ऐसे ब्रॉन्ज बैठे होंगे 10,000 वाले है ना, देखिए ये लोग 10,000 पीवी वाले, अब तो 5500 में ब्रॉन्ज हो गया। अरे मुझे आपका कितना है, बोले मैं तो खुद अभी 11% में पहुंचा और इनके अप्लाई मत कर लिया वो 14% का, मैं बोला कितना है, बोला अभी आया 1200 रुपए, मैं 1200 प्लान दिखा रहे 1 लाख वाला। अरे चलिए ठीक है, तो मैंने पूछा आप इस सिस्टम में क्यों आए, इन्होंने अपना बताया कि मैं सर इलेक्ट्रिक इसका एयर कंडीशन का काम है, काम था, और मिसेज जॉब में थी, अभी भी है जॉब में वो, और इस सिस्टम के अंदर आए थे कुछ एक्स्ट्रा अर्न करने के, एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए कि कुछ 5-10 हज़ार रुपए की आमदनी होने लगे। सो मैं भी अपना एसी का काम करता हूँ, जाड़े में दिक्कत है, बाकी गर्मी में तो बहुत अच्छा चलता है, जाड़े में एसी का काम होता क्या, बाकी बिजनेस भी अर्निंग है, तो दोनों लोग को मिला करके दाल रोटी का जुगाड़ हो रहा है। इस सिस्टम से अगर मैं 5-10 हज़ार की आमदनी करने लगूंगा तो देसी घी भी कभी जुगाड़ हो जाएगा, इस कॉन्सेप्ट के साथ आए थे। सर किस लिए आए थे कुछ भी बताने के पहले एक बार लोकेश जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। सही है, एक एक चीज याद आ गई मेरे को, मैं पेशे से एयर कंडीशनिंग इंजीनियर हूँ, मैंने पढ़ाई लिखाई किया एसी के बारे में और नौकरी कर रहा था, लाइफ चल रही थी मेरी, लेकिन एडजस्टमेंट वाली लाइफ चल रही थी, हर जगह एडजस्ट करना पड़ रहा था, फिर बिजनेस में बाकी में एक्सपेरियंस कम कमाने आया था। सोच मेरी 10 से 15 हज़ार रुपये तक की थी, 10 से 15 हज़ार रुपये अगर आ जाएंगे तो बल्ले बल्ले, लेकिन ये सिस्टम इतना बढ़िया है, काम करता रहा, ट्रेनिंग मीटिंग में आता रहा, लोगों को माइक्रोटू ट्रेनिंग, सीएसएस ट्रेनिंग, और इतनी ट्रेनिंग होती है छोटी से बड़ी, सब में खुद आता था, लोगों को लाता था, लाते लाते मेरा हाईएस्ट चेक पहुंच गया 1,85,000। इतना बढ़िया है कि मेरे को पता नहीं चला कब मैं गोल्ड डायरेक्टर बन गया, और मेरे ट्रेवल फंड में पैसा आने लगा, जब पैसा आने लगा 60,000 रुपये जब हो गए तो कंपनी से फोन आया कि आप अपना पासपोर्ट जमा कर दीजिए, आपको विदेश जाना है। तो मैं तो विदेश के नाम पे अपने मामा जी के घर जाया करता था बरेली, मैंने कहा रे ये तो बड़ा अचंभा हो गया है, तो लोकेश लोग भी साथ थे, लोकेश जी थे, पंकज जी थे, बोला नहीं दादा चलना पड़ेगा, सब चलेंगे, पासपोर्ट जमा कीजिए। पासपोर्ट जमा किया, हम लोग पहला टूर हम लोग गए मलेशिया स्टार क्रूज में, बहुत अच्छा लगा, वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, वहाँ पे जब हम लोग उतरे तो हम लोग को इतना अच्छा लगा कि उसके बाद जब लौट के आए तो हम लोग बिल्कुल उछल उछल के काम कर रहे थे, ना लोग कह रहे थे हम लोग को ना लगे ही नहीं, सुन ही नहीं रहे थे, ना वाली सुनने वाले कान हमारे बंद हो चुके थे एक फॉरेन टूर करने के बाद। अगला फॉरेन टूर फिर हम लोग जाना पड़ा पटाया, क्योंकि हर बार पैसा जमा होता रह रहा है और कंपनी बोलती रहेगी भैया 60,000 रुपये अकाउंट में जहाँ जमा हुए, कंपनी से फोन आएगा चलिए पासपोर्ट जमा कीजिए, कब तक जमा नहीं करेंगे, एक बार दो बार तीन बार, वैसे अभी तो लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग और कई कंट्रियाँ घुमा चुके होंगे, लेकिन अब कंट्रियाँ फिर चालू हो जाएंगी लॉकडाउन के बाद। उसी जब मैं स्टार डायरेक्टर बन गया, ऐसे सिस्टम को फॉलो किया मैंने, मैं बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया क्योंकि मेरी पढ़ाई जो थी एयर कंडीशनिंग की, वहाँ से एक पैसा यहाँ के सिस्टम से मैंने कमाया है, उसका नॉलेज यहाँ नहीं अप्लाई किया है। यहाँ मेरे को सिखाया गया खुद आइए ट्रेनिंग में, जो भी ट्रेनिंग हो रही है आइए खुद आइए, अपने साथ लोगों को लाइए, लोग भी सीखेंगे आप भी सीखेंगे। इस तरह मैं स्टार डायरेक्टर बन गया, और स्टार डायरेक्टर बनने के बाद कार बनाना चालू हो गया, जब कार बनाना चालू हो गया तो फिर 1,40,000 रुपये अकाउंट में जमा हो गया, कंपनी से फोन आया कि भैया आपको कार ले लीजिए, कब किसका वेट कर रहे हैं। तो मैं 5-6 लाख, मैं ऑलरेडी 3.5 लाख की गाड़ी ऑलरेडी मेंटेन कर रहा था, तो मेरा सपना था कि चलो 7 लाख तक की गाड़ी ले लेंगे, लेकिन फिर थैंक कहना चाहूँगा लोकेश जी का और पंकज जी का, बोले सर 6 लाख नहीं 12 लाख की गाड़ी पे जाइए, क्योंकि आप बड़ी गाड़ी लेंगे, एक बार लेने में दिक्कत है लेकिन उसके बाद बिजनेस आसान हो जाएगा। तो
बाकी इनके कहने पे मैंने टाटा नेक्सॉन 12 लाख की गाड़ी खरीदी। जब मेरी गाड़ी आई तो मेरे जो जानने वाले थे उनको झटका लगा, ये तो बाकी कहता था गाड़ी गाड़ी, और देखो आज गाड़ी दे भी लिया। विदेश का तो उतना नहीं इफेक्ट पड़ा क्योंकि हम गए थे अपनी टीम के साथ, उनको ज्यादा मान ली। कहा जब वो देखते थे डेली तो मोहल्ले वाले मेरे को जो गुड मॉर्निंग बोलते थे, जब से मैंने कार लिया लोग गुड मॉर्निंग बोलना छोड़ गए। तो मुझे एक पिक्चर आमिर खान की पिक्चर का डायलॉग याद आया कि दोस्त फेल हो गया ये तो दुख की बात है, लेकिन दोस्त अच्छे नंबर से पास हो गया ये और दुख की बात है। और अपने आप को जीरो हर बात करता रहा, कभी दिमाग में ये नहीं आया कि अब तो मैं कार बनाने लगा, बहुत कुछ सीख गया हूँ। कुछ नहीं सीखा, आज भी जीरो हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। लोकेश जी जो बता रहे हैं ऐसा आता रहा और आज एक क्राउन डायरेक्टर हूँ। मेरे को फॉरेन टूर, कार फंड, हाउस फंड सब आ रहा है। आया था 10 से 15 हजार रुपए कमाने, लेकिन इसके सारे जितने पॉइंट हैं, 8 पॉइंट और हैं, सारे अपने आप अचीव होते रहेंगे। आप बस सिस्टम में आते रहेंगे और जो पढ़ाया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, फील्ड में जाके करिए, और आप लोग भी एक दिन हम लोग की तरह आएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी के लिए, मेरे लिए भी, लेकिन स्टार्टिंग के समय में यकीन नहीं करता है तो। सो मले सर एक्स्ट्रा इनकम के लिए आए थे 5 से 10 हजार रुपए की, मेहनत करी, मीटिंग में जाते रहे। शुरुआत में जब हम लोग जाते थे तो कोई भी नहीं होता था, कई बार तो हम ही 3 लोग होते, बाकी चौथा होता ही नहीं था। पीवी महीने भर में हिलता ही नहीं था, फिर हम लोग टीएलसीपी में जाके खुद ही गुस्से में एक साबुन बिल करा लेते थे कि कुछ तो हिले। ये तक हुआ था। कंज्यूमर्स फॉर्मूला 40 कंज्यूमर्स बनाया, किस्मत से जो कंज्यूमर्स बने वो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, वहां से फोन आ रहा है कि भैया ये लेते आओ वो लेते आओ। यहाँ से लाद के गाड़ी में जितने का सामान नहीं उससे जाता है डीजल और टोल जाता है। सो वो भी एक दिन था, और एक ये भी दिन है कि चीजें बदल चुकी हैं। नौकरी में ज्यादा पैसा है या बिजनेस में? पहली बार फर्स्ट टाइम कोई बताएगा सर, नौकरी में ज्यादा पैसा है या बिजनेस में? नौकरी में ज्यादा पैसा है बिजनेस में? नौकरी से क्या अमीर आदमी बना जा सकता है? नहीं बना जा सकता। ये तो सच है ना, सब लोग सहमत है कि नहीं इनसे? ये तो सच है ना। उसके बाद आप हमें बताइए कि अगर आपको ये पता है कि जीवन में पैसा कमाना है और वो पैसा बिजनेस से आएगा, व्यापार से आएगा, आया ना? Yes, तो व्यापार करना चाहिए। Yes, sir. आया ना? Yes, sir. यानी अगर हम उसके बावजूद, जानने के बावजूद अगर हम नौकरी में जा रहे हैं तो इसका मतलब हमें दिल्ली जाना है और हम गोरखपुर वाली ट्रेन में बैठ गए हैं, कभी दिल्ली नहीं आएगा। ये तो सहमत है ना? Yes, sir. लेकिन ईमानदारी से बताइए, हमारे घर के अंदर हमें छोटेपन से लेके अभी तक क्या ट्रेनिंग दी जाती है? उठो, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। तो हम कंडीशन ट्यून्ड किस लिए हो रहे हैं? नौकरी, जबकि पैसा कहाँ जाता है? बिजनेस में। पता है क्यों? क्योंकि पता है कि अगर ट्यून हो गए बिजनेस के लिए तो घर को 30 लाख 40 लाख रुपए भी तो मांग लोगे। आया था ना? Yes, sir. तो बड़ा चैलेंज नहीं चैलेंज? Yes, आया ना? Yes, sir. सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ का, बहुत सारे लोगों का ड्रीम ये भी होता है सिस्टम करने का कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत शानदार है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, है ना? Yes, बड़ा पैसा भी लगाना पड़ेगा। Yes, अगर बड़ा बिजनेस करना है तो, अगर एक बिजनेस ओनर बनना है बड़ा,
तो कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी लोग जाते हैं? यस सर। एमबीए वगैरह? यस। किया किसी ने? या है कोई जिसने किया हो? नहीं किया? चलिए, कोई बीकॉम वाला है जिसने बीकॉम किया हो? है ना? मैम ने किया है, आपने किया है, उधर किया है, मैंने भी किया है बीकॉम और उसके बाद एमबीए मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों किया था? इस कोर्स के लिए क्यों जाता है आदमी? बड़ा बिजनेसमैन बने? यस सर। इसलिए नहीं जाता? चलिए, एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा बीकॉम आपने किया है, एमबीए भी कुछ लोगों ने किया है, मैंने भी किया है। बीकॉम की फीस कितनी थी मैम? 2,000, 3,000, 4,000 रुपए।